लड़कों को छोड़ दीजिए प्लीज, हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए, आप हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए, उनको वोट डालना है। कभी कभी जानती हूँ कानून मैंने लॉक किया हुआ है, हमारे लड़के क्यों बेगुनाह बने? आप वही छोड़ दो, 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 कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बुबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जेल का बंदा वोट से, 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 बीबी बर्कर को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बुबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बुबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राज से हर जगह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हो, साउथ कश्मीर में हो, पीडीपी के पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार करके बिना किसी वजह थानों में बंद किया जा रहा है। हम कह रहे हैं हमें वजह बताओ, और एसएचओ साहब कोई वजह नहीं बता रहे। हमें लगता है कि एलजी साहब, डीजी साहब और यहाँ के जो डीआईजी साउथ कश्मीर, वो सारे मिले हुए हैं। अगर इनको महबूबा मुफ्ती के पार्लियामेंट जाने से इतना डर लगता है, तो एलजी साहब मुझे बोलते कि आप इलेक्शन मत लड़ो, मगर एलजी साहब उनको क्यों रिपीट कर रहे हैं? इनके ही लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट के प्रोसेस में एक यकीन दहानी दिलाई है, आज ये सारा बर्बाद कर रहे हैं, एलजी साहब रिपीट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे बेगुनाह इनोसेंट यहाँ थाने में बंद है, अनंतनाग में बंद है, जलगांव में बंद है, पहलगाम में बंद है, अशमुखा में बंद है, कोई थाना नहीं है साउथ कश्मीर में जहाँ हमारे एजेंटों को बंद नहीं किया गया। और जगह जगह मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है, जहाँ लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, वहाँ मशीनें खराब की जा रही हैं। अगर इनको 87 ही रिपीट करना है तो ये ड्रामा क्यों, इलेक्शन का ड्रामा क्यों? हम तो आप कह रहे हैं कि रिगिंग हो रही है, बिल्कुल ये रिगिंग ही हो रही है, और क्या हो रहा है? लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपके बच्चे हमने बंद रखे ताकि लोग ना निकले वोट डालने के लिए, और क्या हो रहा है? 87 रिपीट हो रहा है जम्मू कश्मीर में। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जेल का बंदा वोट से, 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 जेल